हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम शोमुस बायोलॉजी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर, वो है बिटवीन CSIR नेट, ICMR नेट, ICAR नेट, गेट और जो भी इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप है, उनमें से कौन से ऑप्शन आपके लिए बेहतर रहता है PhD करने के लिए। तो अगर आप PhD के एस्पायरिंग कैंडिडेट हैं और अगर अभी आप सोच रहे होंगे कि कौन कौन सी एग्ज़ाम दें, क्योंकि सारे के सारे जो PhD की जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो वाया एग्ज़ाम होता है, तो कौन से एग्ज़ाम आप चूज़ करें, कौन सी फेलोशिप आप एक्चुअली चूज़ करें, ताकि कि आप अच्छी तरीके से PhD भी करें और आपका जो मंथली स्टाइपेंड वो भी ठीक टाइम पे आपके हाथ में आए। तो अगर ये चीज़ आप जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को अंत तक देखिए। ओके, तो चलिए पहले बताते हैं कि ये जो पांच डिफरेंट टाइप के जो फेलोशिप हमने डिस्कस किए, CSIR UGC जॉइंट एग्ज़ाम, CSIR UGC नेट एग्ज़ाम, उसके बाद है ICMR नेट एग्ज़ाम, उसके साथ साथ है ICAR एग्ज़ाम, उसके साथ है और भी अदर इंस्टीट्यूशनल एग्ज़ाम और फाइनली गेट। सो ये पांच अलग अलग से एग्ज़ाम्स, और पांच एग्ज़ाम्स के बाद आप PhD कर सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके PhD कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट में PhD कर सकते हैं। तो इनमें से कौन से ऑप्शन बेहतर है, तो चलिए पहले बात कर लेते हैं CSIR UGC नेट के बारे में। तो पहले CSIR UGC नेट में जो होता है कि उसमें एक जॉइंट नेट होता है, CSIR और UGC दोनों मिलजुल के ये नेट ऑर्गेनाइज करते हैं, और उसके बाद में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको एज ए JRF जूनियर रिसर्च फेलो सिलेक्ट किया जाता है। और अगर आप जूनियर रिसर्च फेलो होते हैं तो महीने में आपका 32,000 पहले दो साल, उसके बाद 36,000 अराउंड स्टाइपेंड मिलता है महीने में एज ए रिसर्चर। आप PhD करते हैं कोई भी लैब जो आपको पसंद है उसी लैब में जाके, उसमें ऑब्वियसली आपको एक वॉक इन इंटरव्यू देना पड़ता है इसके स्कोर के साथ साथ, मगर आप PhD कर सकते हो बहुत आसानी से। मगर एक प्रॉब्लम यहाँ का एक एडवांटेज डिसएडवांटेज बहुत है। एडवांटेज है कि इसका जो स्टाइपेंड है वो अच्छा है, ठीक ठाक है, और जो और एक एडवांटेज है कि ये CSIR का जो फेलोशिप होता है, CSIR का जो डिग्री होता है, मतलब क्वालिफिकेशन का जो एक लिमिट होता है, उसका जो वेटेज होता है वो बहुत हाई होता है, ठीक है, वो आपका जो CV है उसका भी वेट बढ़ा देगा, तो ये एक अच्छी बात होता है। और एक होता है अगर CSIR नेट आप क्वालिफाई करते हैं तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में अपने पसंद के हिसाब से आप PhD में ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब जो प्रोस तो हो गया, कॉन्स क्या है। कॉन्स ये कि ये जो स्टाइपेंड है वो हर महीने ठीक टाइम पे नहीं आता है, तो ये एक प्रॉब्लम बहुत सालों से चले आ रहा है, पिछले 10 साल से ये चले आ रहा है कि हर महीने में स्टाइपेंड नहीं मिलता, मगर फिर भी मिलता तो है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रोसेस किया हुआ होता है, तो थोड़ा देर में आता है मगर मिल आखिर जाता ही है, ठीक है। तो चलिए दूसरी बात, अभी आते हैं ICMR नेट। ICMR नेट टोटली डिफरेंट है, ये कंडक्ट करते हैं ICMR, ओके, मतलब कि मेडिकल जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस और उसके इंस्टीट्यूट्स का एक जो कोलैबोरेटिव यूनिट है वो भी गवर्नमेंट द्वारा ही प्रचलित होता है, वो यहाँ पर जाके एग्ज़ाम को कंडक्ट करते हैं। और इस एग्ज़ाम में आपको फिर से एक टेस्ट देना पड़ता है, वो भी ICMR नेट कहा जाता है, मगर उस टेस्ट का जो एक डिसएडवांटेज है क्योंकि उसका जो क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स यहाँ पर जनरली 100 से 150 स्टूडेंट्स को लेते हैं हर साल में, तो 100 से 150 स्टूडेंट और बायोलॉजिकल साइंस में तकरीबन लाख लाख जो स्टूडेंट्स बैठे पड़े हैं वो यही स्ट्रीम में कुछ करना चाहते हैं, तो कंपटीशन जो है बहुत ही हाई, एक ड्रॉबैक है। जो आसान चीज़ ये है कि व्हाट इज़ अ प्रो, प्रो जो अच्छी बात ये है कि यहाँ पर अगर आप कोई मेडिकल फील्ड में कुछ काम करना चाहते हैं, डिजीज़ लेकर, उनके स्प्रेड लेकर, एपिडेमियोलॉजी लेकर काम करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन होता है। और एक बात होता है कि ICMR जो है वो जो डिसएडवांटेज में बोल रहा था कि वहाँ पर कंपटीशन बहुत हाई है और उसमें जो सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट्स वो भी बहुत कम है, कुछ ही इंस्टीट्यूट्स ICMR के अंडर हैं और वहीं जाके आप PhD कर सकते हैं, उससे बाहर कोई इंस्टीट्यूट में जाके कर नहीं सकते। तो CSIR के साथ इसका जो डिफरेंस करें, CSIR नेट पर अगर आपको मिल जाए तो उसका जो सीट लिमिट है वो थोड़ा ज़्यादा है, वो और एक एडवांटेज है CSIR नेट का, जो सीट लिमिट होता है वो तकरीबन हर 6 महीने में एग्ज़ाम होता है, तो एक साल में अगर देखें तो आप सीट लिमिट हो जाता है 1500 से 1600 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिव टू 100-200 स्टूडेंट ICMR में। तो चलिए अभी तीसरी जो और एक एग्ज़ाम वो है गेट। तो गेट में क्या डिफरेंस है, गेट की बात करें तो गेट पहले तो PhD का कोई एंट्रेंस है नहीं, गेट ऐसा एक एंट्रेंस है जिसके बाद आप MTech कर सकते हो कोई IITs में जाके। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है PhD के एंट्रेंस मान लेते हैं गेट को, मगर गेट है नहीं, गेट देने के बाद आपको जाना पड़ेगा
एमटेक करने के लिए, मगर फिर भी लोग गेट के स्कोर को लेके अप्लाई करते हैं आईआईटी में पीएचडी करने के लिए, और इसमें ज़्यादातर कोई फ़ायदा होता नहीं है, मगर थोड़ा बहुत तो वो जब इंटरव्यू चलता है तो वहाँ पर एक काइंड ऑफ बेसिक प्रायोरिटी दिया जा सकता है, उससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा होता नहीं। तो अगर गेट आपके पास है भी तो आप एमटेक तो कर सकते हैं आईआईटी में जाके, मगर अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर इंटरव्यू, वहाँ पर रिटन एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा, इंटरव्यू में भी आना पड़ेगा, दोनों क्वालिफाई करने के बाद ही आपको पीएचडी करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप एमटेक करें तो ऐसे कोई स्टाइपेंड की बात है नहीं, मगर अगर पीएचडी आप आईआईटी से करें, जहाँ पर आप गेट होने के बावजूद भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और इंटरव्यू देना पड़ेगा, उसके बाद आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। उस स्टाइपेंड जो है वो 25,000 से 28,000 का होता है, और कुछ लोगों को सिलेक्टेड, कुछ लोगों को जो बहुत ही मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, ऐसा कुछ टॉप परसेंटेज लेकर, अभी नया एक प्लान आया है PMRF प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप, उसमें जाके आपको 70,000 से 80,000 रुपये महीने का भी मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं चौथा ऑप्शन, उसमें है ICAR नेट। ICAR नेट एक ऐसा ऑप्शन है जो कि एग्रीकल्चर साइंस से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प होता है, या फिर आप बॉटनी से बिलोंग करो आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ICAR एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर 70 से 75 यूनिवर्सिटीज़ उसमें इंक्लूडेड है, और 200 से भी ज़्यादा कॉलेजेस इंक्लूडेड हैं। तो इनसे, इनमें से कोई भी कॉलेज में जाके, कोई भी इंस्टीट्यूट में जाके आप पीएचडी कर सकते हो अपना, और ICAR जो है वो स्टाइपेंड देते हैं, ताकि आप वहाँ पर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, या फिर आप वहाँ का पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, या फिर आपका पीएचडी स्टूडेंट हो, आप कोई भी टाइप के स्टूडेंट्स हो, ICAR आपको स्टाइपेंड देंगे ही। अगर यूजी है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट से, आपको महीने का 2,000 से 2,500 का स्टाइपेंड मिलता है, वो भी बढ़िया है, ऐसा सोचकर आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हो। उसके बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो तो आपको महीने में 8 से 10,000 का सैलरी मिल जाता है, और एनुअल कंटीजेंसी एक ग्रांट मिलता है घर आने का, कुछ ट्रैवल अलाउंस 5 से 6,000 रुपये का वो ईयरली। और अगर आप पीएचडी करते हैं वहाँ पर, तो जाके आपका जो स्टाइपेंड है वो तकरीबन 28-25 से 30,000 पर मंथ का जो है स्टाइपेंड मिलता है, अगर पीएचडी आप इंडिया में करते हो। और अगर आप पीएचडी बाहर जाके करते हो, इंडिया के बाहर कोई कोई फॉरेन कंट्री में करते हो, उसके लिए भी आपको स्टाइपेंड दिया जाता है, और वो 1,20,000 से 1,30,000-1,40,000 रुपए का स्टाइपेंड, तो $2,000 दिया जाता है पर मंथ। और अगर कोई फॉरेन स्टूडेंट आके इंडिया में रहकर पीएचडी करे ICAR देने के बाद, उनको इंडिया से पर महीने 40,000 से 45,000 का स्टाइपेंड दिया जाता है। तो एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ का एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करते हो तो बहुत ऑप्शंस आपके साथ सामने खुला रहेगा, आप जाके एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स कर सकते हो, आप जाके वहाँ पर पैसे कमाना स्टार्ट कर देते हैं, आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन से ही उसके बाद पीएचडी भी कर सकते हैं, मगर उसका जो रेंज है वो लिमिटेड, वही 200 से 250 का जो उन लोगों का खुद का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर जाके आपको पीएचडी करना पड़ेगा, और वो डेफिनेटली जो एग्रीकल्चरल रिसर्च फील्ड में से होगा ऑब्वियसली, और इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च जो होता है वो इंडियन ओरिजिन का क्लाइमेट और उसका जो सारे के सारे फौना फ्लोरा के साथ जो होता है उसी हिसाब से होता है, यहाँ पर उसे बाहर जाके नहीं होता है। तो यहाँ पर ICAR नेट देने के बाद भी पीएचडी आप कर सकते हैं क्वाइट इजीली, और यहाँ पर ये स्टाइपेंड दिया जाता है। इसीलिए ICAR जो नेट होता है बहुत ही एक अच्छा एक ऑप्शन है आपके लिए, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं विथ गुड स्टाइपेंड आप डेफिनेटली जा सकते हैं वहाँ पर। और आखिर में आते हैं फिफ्थ ऑप्शन जो है इंस्टीट्यूशनल JRF, इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप टू डू PhD। मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में जो स्टाइपेंड देते हैं PhD करने के टाइम पर, और PhD भी करवाते हैं, बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि TIFR, NCBS है। तो ऐसा कुछ इंस्टीट्यूट्स जो इंस्टीट्यूशनल एग्जाम कंडक्ट करते हैं, ICAR, और ऐसे ही बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो बहुत से जगह में, बहुत से स्टेट्स में हैं, और आप अपने हिसाब से वो चूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर जाके प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को। तो वहाँ पर अगर जाके आप पीएचडी करना चाहते हैं तो वहाँ का एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको। इंस्टीट्यूशनल एग्ज़ाम होता है रिटन, उसके बाद इंटरव्यू भी होता है वॉकिंग, दोनों के साथ साथ कम्बाइंड मार्क्स और आपका पिछले कुछ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्क्स को भी दिखा जाता है, उसके बाद आपका एडमिशन मिलता है। तो अगर वहाँ पर आप ज्वाइन करते हैं, वहाँ का स्टाइपेंड भी वैसे ही होता है 22,000 से 25,000 रुपये का पर महीने, कुछ इंस्टीट्यूट्स थोड़ा कम देते हैं 15,000 से 18,000, मगर ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स तो 22,000 से 25,000 ही पर महीने का देते हैं, और वहाँ पर भी आप पीएचडी कर सकते हैं। नाउ एडवांटेज दो है यहाँ का, पहले बात तो ये है कि जनरली CSIG नेट में थोड़ा डिले होता है स्टाइपेंड का, यहाँ पर स्टाइपेंड का डिले ही नहीं होता है, आपको डायरेक्टली मिल जाता है महीने का स्टाइपेंड बहुत इजीली, क्योंकि बहुत ही कम संख्यक लोगों को मिलता है, तो उसका जो प्रोसेसिंग होता है वो भी उसी इंस्टीट्यूट से होता है, तो आसान होता है फंडिंग पाना।
दूसरी बात है यहाँ पर जो है कि जो इंस्टीट्यूशनल पीएचडी में एक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आपका पीएचडी इंस्टीट्यूट के ग्लोरी के साथ जुड़ा होता है, तो वहाँ पर कुछ ऐसे तौर पर होता है कि कुछ कुछ ऐसे लैब्स में पीएचडी कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग जाता है। नॉर्मली पीएचडी सीएसआई जिसे नेट के हिसाब लाइक नॉर्मल कैलकुलेशन के हिसाब से आपको 5 साल में हो जाना चाहिए, और जनरली सीएसआई नेट जो है स्टाइपेंड भी 5 साल से ज़्यादा नहीं देते हैं, सेम फॉर ICMR ICAR भी। मगर इसमें इंस्टीट्यूशन में कुछ कुछ जगह पर आपको 6-7-8 साल भी लग जाता है पीएचडी होने में, तो वहाँ पर भी स्टाइपेंड कैसे आएगा वो दूसरी बात होता है। और अगर 6-7-8 साल आपको लग भी जाए तो इंस्टीट्यूशन अगर आपको प्रोजेक्ट करवा रहे हैं तो डेफिनेटली उसका स्टाइपेंड भी उन लोग प्रोवाइड करेंगे, तो ये एक एडवांटेज है जो आपको और किसी भी तरीके का जो नेट है और उसका जो एग्ज़ाम है और उसके पीएचडी से नहीं मिलेगा, तो एक एडवांटेज है इन सारे। तो मेरे हिसाब से अगर आप अभी सबको कंबाइन करें और पूछे व्हाट इज़ द बॉटम लाइन, मतलब कौन सी अच्छी बेटर है, मैं यहाँ पर हर एक जो ऑप्शन है आपके सामने उसका अच्छे और बुरे दोनों का जो ऑप्शन है वो बता दिया आपको, पर फिर भी आपको जानना है एक वर्ड में अगर कौन से बेहतर ऑप्शन है, तो मैं यही कहूँगा कि जो भी गेट तो ऐसे एग्जाम है ही नहीं, मगर फिर भी जो भी है गेट ICMR ICAR और इंस्टीट्यूशनल एग्जाम, हर एक जो एग्ज़ाम है वहाँ का एक लिमिट होता है, उसका कंपटीशन हाई होता है क्योंकि उसका जो नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्शन होता है बहुत कम होता है। CSR UGC नेट एक ऐसा है, बहुत ही भरोसेमंद एक नाम है, बहुत दिन से चले आ रहे हैं वहाँ पर, अब जाके 1500 से 1600 2000 कैंडिडेट्स को लिया जाता है हर साल, तो एक मैसिव स्केल में एक सबसे बड़ा जो पीएचडी का एंट्रेंस है वही कहा जाता है, और उसको अगर आप लीव कर दे तो उसके बाद आता है इंस्टीट्यूशनल एग्जाम रैंक 2 में मैं यही रखूँगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल एग्जाम में जो है कंपटीशन थोड़ा बहुत कम होता है, और उसमें आपको एक सुविधा मिलती है कि आप किसी भी स्टेट का है तो आप उसी स्टेट का जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ का नेट एग्जाम दे और वहाँ का एग्जाम दे के वही इंस्टीट्यूट से करें जो आप घर के सामने हैं, तो एक एडवांटेज मिलता है वहाँ पर। और एक एडवांटेज जो है कि अगर आपको पीएचडी में टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं होता है, आपका स्टाइपेंड आएगा और स्टाइपेंड भी जल्दी जल्दी मिल जाता है, तो इसके हिसाब से आप इंस्टीट्यूशनल पीएचडी भी ट्राई करें डेफिनेटली। उनका हर एक एग्ज़ाम जो है अलग अलग एग्ज़ाम होता है, अलग अलग टाइम पे एग्ज़ाम होगा और उसके लिए आपको जाकर इंटरव्यू देना पड़ेगा, तो ये डिफ़िकल्टीज़ हैं उसमें, मगर फिर भी अच्छा है। और ऑब्वियसली ICAR जिसमें आपको एकदम स्टार्ट से, अगर ICAR आपको फॉलो कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन से फॉलो कीजिए, अगर आप एग्रीकल्चर साइंस से बैकग्राउंड से हैं तो डेफिनेटली आप जानते होंगे, अगर नहीं है अगर जूलॉजी बॉटनी फिजियोलॉजी बैकग्राउंड से फिर भी आप जान लीजिए कि एग्रीकल्चरल फील्ड में इंडिया बहुत ही तरक्की कर रहा है, उसमें पैसे भी डिवोट कर रहे हैं, तो इसलिए ICAR जो है वो इम्प्रूव कर रहा है, तो ICAR भी बहुत अच्छे ऑप्शन है। मगर गेट और पर्टिकुलरली जो ICMR है वो लिमिटेड है, उसका जो स्प्रेड है वो कंस्ट्रिक्टेड है। अगर गेट को लेकर गेट का स्कोर लेकर आप कुछ कर रहे हैं पीएचडी के लिए तो डेफिनेटली आपका जो स्कोर है वो 100 रैंक से नीचे आना है, 100 से ज़्यादा भी रैंक हो जाएगा तो ज़्यादातर फ़ायदा नहीं होता है। फॉर एमटेक आपको अगर 200-300 के अंदर रैंक होता है तो भी फ़ायदा मिल जाता है, मगर फॉर पीएचडी नहीं मिलता है। तो ये बात है सारे के सारे, तो आप जो ऑप्शन आपके लिए सुइटेबल है आप वही सिलेक्ट कीजिए, मगर पहले से सोच लीजिए क्योंकि बाद में पछतावा ना हो, ठीक है। तो यही बात है, तो अगर इस वीडियो को आपका अच्छा लगा तो डेफिनेटली इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल पे ताकि आपको ऐसे वीडियो फीडबैक मिलता रहे, और कोई भी क्वेश्चंस है आपके माइंड में जिसका वीडियो आप जानना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि हम वीडियो बना सकें।